44 नंबर में दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ sec का पावर 4 x इनटू में 10 x, 10 को t पुट करेंगे तो sec स्क्वायर आएगा। तो एक काम करो, यहां पर sec स्क्वायर x अलग लिख लो, फिर tan x और फिर x sec स्क्वायर x, पावर में 4 है तो ऐसे लिख सकते हैं ना जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक को tan में कन्वर्ट कर देते हैं, तो sec स्क्वायर x जो हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर x और इनटू में tan x है, तो ऐसे ही और इनटू में sec स्क्वायर x। अब इसमें पुट करो tan x को t, उसका डेरिवेटिव मुझे sec में यहां मिल जाएगा। अब यहां पुट करते हैं tan x को यहाँ t, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x इक्वल टू में dt और y में dx, यानी हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर x dx जो होगा वह dt के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 प्लस t स्क्वायर से t सपोज किया था इनटू में t और ये आपका dt, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ t प्लस का t क्यूब और प्लस dt। अब इसके बाद इसका इंटीग्रल कर देते हैं, तो t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना जी। अच्छा टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए t का पावर 4 बाई 4 और प्लस में यहाँ c, तो t का वैल्यू यहाँ रख देते हैं tan, tan स्क्वायर x प्लस में 1 बाई 4 tan का पावर 4 x और प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? उस समय में देखिए 45।